Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है महेंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। 22 में से 28 में तक का वीकली करंट अफेयर्स लेकर मैं आ चुका हूं आपके साथ। क्या आप तैयार हैं? तो चलिए शुरू करेंगे अपने वीकली एमसीक्यूज के सेशन को, वीकली करंट अफेयर्स के सेशन को। वीकली करंट अफेयर्स में बहुत सारे एमसीक्यूज, अप्रॉक्स 60 एमसीक्यूज मैं लेकर आया हुआ हूं जो इंपॉर्टेंट होने वाले हैं इस वीक में। तो चलिए बढ़ते हैं अपने इंस्पिरेशनल कोट की तरफ, देखते हैं हमारा इंस्पिरेशनल कोट क्या बोल रहा है। भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है कर्मों का तूफान पैदा करें, दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। यह किसी ने सच ही कहा है, कर्मों की ध्वनि शब्दों से ऊंची होती है। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। ठीक है, तो इसी पॉजिटिव वाइब्स के साथ चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो दियर फर्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर वॉज द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट रिसेंटली इनॉग्रेटेड। तो हाल ही में सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट पर उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहां किया गया है? पटना, देहरादून, शिमला या फिर धर्मशाला। तो वीडियो पॉज करके आप इसका आंसर भी डिसाइड कर सकते हैं क्या है, और फिर देख सकते हैं कि आपके कितना स्कोर आपने किया। तो चलते हैं आंसर की तरफ। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आपका राइट होगा, देहरादून। यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जी ने इसको क्या किया है, इनॉग्रेट किया है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को। ठीक है, तो SCOESLM राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। एक्सप्लेनेशन नीचे दिया हुआ है, आप इसको रीड आउट कर सकते हैं, देख सकते हैं, और भी पॉइंट्स फैक्ट्स आपको मिल जाएंगे। जैसे ICFRE यहां पर यूज हुआ है डियर, ये इसका फुल फॉर्म एब्रीवेशन यहां पर दिया हुआ है। ये कुछ जो भी एब्रीवेशन यूज होते हैं डियर, ये डायरेक्टली हमारे एग्जाम का पार्ट बन जाते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट इज, महिला मजदूर सम्मेलन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया था? इन विच स्टेट वॉज द वुमेन लेबरर्स कन्वेंशन इनॉग्रेटेड। ऑप्शन है आपके सामने, त्रिपुरा, केरला, झारखंड या फिर उड़ीसा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, केरला। केरला आपका राइट हो जाएगा। यूनियन मिनिस्टर स्मृति ईरानी ने इसको क्या किया, इनॉग्रेट किया, वुमेन लेबर्स कन्वेंशन को इनॉग्रेट किया है स्मृति ईरानी जी ने, और फाइनली कहां पर, केरला। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच प्राइवेट इक्विटी फॉर्म फुल्ली एक्वायर्ड द इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट। किस निजी इक्विटी फॉर्म ने पूरी तरह से अंतरराष्ट्रीय जेमोलॉजिकल संस्थान का अधिग्रहण किया है? ब्लैकस्टोन, कैरियल ग्रुप या फिर अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट या फिर विस्टा इक्विटी पार्टनर्स। तो डियर हमें देखना होगा यहां पर राइट आंसर क्या होने वाला है। तो हम चलते हैं आंसर की तरफ। तो ब्लैकस्टोन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नीचे दिया गया एक्सप्लेनेशन यहां पर मेंशन है, आप यहां से देख सकते हैं, IGI इंटरनेशनल जिमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट। तो राइट आंसर इज ब्लैक स्टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्री हैज डिक्लेयर्ड 2025 टू बी ऑब्जर्व्ड एज द स्पेशल टूरिज्म ईयर। तो किस देश को 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं, नेपाल, जापान, भूटान या फिर कनाडा। तो डियर अगर हम बात करें तो ये न्यूज डिस्कस भी की थी, है ना, डिस्कस हुई थी डेली करंट अफेयर्स के सेशन में। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, नेपाल। नेपाल आपका राइट आंसर हो जाएगा। द ईयर 2025 हैज बीन डेजिग्नेटेड एज द स्पेशल टूरिज्म ईयर, पार्ट ऑफ द विजिट नेपाल डेकेड। तो राइट आंसर है नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच इंडियन स्टेट डज कूनो नेशनल पार्क वेयर थ्री मोर चीताज हैव रिसेंटली बीन रिलीज्ड इनटू द वाइल्ड बिलोंग। कूनो नेशनल पार्क जहां हाल ही में तीन और चीते जंगल में छोड़े गए हैं, भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बहुत ही सिंपल सा डियर ये नेशनल पार्क से रिलेटेड क्वेश्चन हमारा बन रहा है, स्टैटिक फैक्ट। कूनो नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। तो अगर डियर हम बात करें तो बिल्कुल कूनो नेशनल पार्क कहां पर सिचुएटेड है, मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है, जहां पर नामीबिया से भी 17 सितंबर 2022 को 8 चीते लाए गए थे। ठीक है डियर, तो कूनो नेशनल पार्क आपका सिचुएटेड है मध्य प्रदेश में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट इज किस देश में सेमीकंडक्टर जायंट माइक्रोन राष्ट्रीय सुरक्षा समीक्षा के लिए अर्हता प्राप्त करने में विफल रहा है. इन विच कंट्री द सेमीकंडक्टर जायंट माइक्रो फेल टू क्वालिफाई फॉर अ नेशनल सिक्योरिटी रिव्यू. ऑप्शंस आपके सामने अवेलेबल हैं फ्रांस, चाइना, फिजी या फिर मलेशिया. तो ये हम चलते हैं आंसर की तरफ. तो राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन बी, चाइना. तो द यूएसए सेमीकंडक्टर जायंट माइक्रोन फेल्ड अ नेशनल सिक्योरिटी रिव्यू हैज बीन इंस्ट्रक्टेड टू सीज सेलिंग इट्स प्रोडक्शन. तो ये राइट आंसर यहां पर चाइना हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमंग द स्टेट ओन्ड लेंडर्स विच बैंक इमर्ज एज द लार्जेस्ट बायर फ्रॉम द जेम पोर्टल इन 2022 एंड 2023. 2022-23 में सरकारी स्वामित्व वाले उधारदाताओं में से कौन सा बैंक जेम पोर्टल में से सबसे बड़ा खरीदार बनकर उभरा है? बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक या फिर यस बैंक. तो ये राइट आंसर यहां पर हो जाएगा कैनरा बैंक. ऑप्शन सी इज राइट. कैनरा बैंक इमर्ज एज द लार्जेस्ट बायर अमंग. ठीक है, तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री इज करेंटली फेसिंग अ पॉलिटिकल क्राइसिस एज द रूलिंग कंजर्वेटिव्स वॉन द पार्लियामेंट्री इलेक्शन बट फेल शॉर्ट ऑफ अ मेजोरिटी टू फॉर्म अ गवर्नमेंट. वर्तमान में कौन सा देश राजनीतिक संकट का सामना कर रहा है क्योंकि रूढ़िवादियों से संसदीय चुनाव जीता लेकिन सरकार बनाने के लिए बहुमत से कम रह गए. तो डियर ये कौन सा कंट्री है? ऑप्शंस आपके सामने अवेलेबल है. अगर हम बात करें तो हैती, माली, वियतनाम या फिर ग्रीस. तो चलते हैं आंसर की तरफ. तो राइट आंसर इज ग्रीस. ग्रीस की अगर हम बात करें तो डियर ये कंट्री है जो रूलिंग कंजर्वेशन वॉन द पार्लियामेंट्री इलेक्शंस इस प्रॉब्लम से क्या कर रहा है, प्रॉब्लम को फेस कर रहा है. तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ग्रीस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच कंट्री वॉज महात्मा गांधी स्कॉलरशिप अवार्ड टू 300 स्टूडेंट्स. किस देश ने 300 छात्रों को महात्मा गांधी छात्रवृत्ति प्रदान की गई थी? ऑप्शंस है सिंगापुर, श्रीलंका, बांग्लादेश या फिर साइबेरिया. तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, श्रीलंका. यहां पर राइट आंसर है श्रीलंका आपका राइट हो जाएगा. 300 स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल 25 डिस्ट्रिक्ट इन श्रीलंका हैव बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस महात्मा गांधी स्कॉलरशिप. तो ऑप्शंस आपका श्रीलंका यहां पर राइट आंसर है. आई होप अभी तक आपको क्वेश्चंस क्लियर होते जा रहे होंगे. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट इज इन विच सिटी इन स्विट्जरलैंड डिड द इंडियन Prime Minister address the 76th session of the World Health Assembly via video message. Switzerland के किस शहर में भारतीय प्रधानमंत्री ने वीडियो संदेश के माध्यम से विश्व स्वास्थ्य सभा के 76वें सत्र को संबोधित किया है? ऑप्शन है आपके बासेल, लुंगानो, स्विट्जरलैंड या फिर जेनेवा. तो चलते हैं आंसर की तरफ. ऑप्शन डी आपका राइट होगा, जेनेवा. द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी एड्रेस द 76th session of the World Health असेंबली वाया वीडियो मैसेज. तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, जेनेवा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरिग्नर अन्ना जूलॉजिकल पार्क AAJP. डियर AAJP के नाम से इसको हम जानते हैं, अरिग्नर अन्ना जूलॉजिकल पार्क. ठीक है, वेंडलूर इन विच सिटी रिसेंटली गॉट टू न्यू स्लॉट बियर्स. किस शहर में हाल ही में दो नए स्लॉट भालू मिले हैं? ऑप्शंस यहां पर मेंशन है आपके चेन्नई, अहमदाबाद, जयपुर या फिर शिमला. तो हमें देखना होगा यहां पर राइट आंसर क्या होने वाला है. तो चलिए हम चलते हैं अपने आंसर की तरफ. तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए. तो ये राइट आंसर है आपका चेन्नई. अरिंगर अन्ना जूलॉजिकल पार्क जो है ये वंडलूर चेन्नई में टू न्यू स्लॉट बियर्स यहां पर देखने को मिले हैं. तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, चेन्नई. नेक्स्ट इज इन विच इंटरनेशनल सिटी डिड प्राइम मिनिस्टर मोदी अनवेल द महात्मा गांधी बस्ट. प्रधानमंत्री मोदी ने किस अंतरराष्ट्रीय शहर में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो डियर यहां पर ऑप्शंस आपके सामने हैं क्योटो, ओसाका, हिरोशिमा या फिर योकोहामा. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं एग्जाम में जरूर हमें देखने को मिलेगा.
तो आंसर की तरफ चलते हैं। आपका राइट आंसर है हिरोशिमा। हिरोशिमा, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी अनवेल्ड द बस्ट ऑफ द महात्मा गांधी इन हिरोशिमा जापान। जापान के हिरोशिमा में भी हाल ही में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। ठीक है डियर, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट इज अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा शुरू करने वाली रियान बरनावी किस देश से संबंधित है? ऑप्शंस अवेलेबल है यूएसए, इंडिया, सऊदी अरेबिया या फिर इजराइल। तो आंसर की तरफ चलते हैं डियर। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, सऊदी अरेबिया। एक्सप्लेनेशन में नीचे दिया हुआ है, आप एक्सप्लेनेशन से भी देख सकते हैं क्या क्या पॉइंट्स यहां पर बोले गए हैं। सऊदी अरेबिया आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जैसा कि आप सभी जान रहे हैं ये वीकली एमसीक्यू वीकली करंट अफेयर्स का सेशन है जिसमें हम एक रिवीजन पार्ट पर लेकर चलते हैं। तो इसमें हम बैक टू बैक क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं जिससे मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस को हम यहां पर डिस्कस कर सके। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट इज बहुत ही सिंपल सा एक डे पूछा गया है, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2023 कब मनाया जाता है, किस तिथि को? 19th में, 20th में, 21st में या फिर 22nd में? इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डायवर्सिटी 2023। आंसर की तरफ चले तो राइट आंसर है आपका 22nd में। एवरी ईयर ऑन 22nd में द वर्ल्ड मार्क्स द इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डायवर्सिटी इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग एंड द इनकरेज द प्रिजर्वेशन ऑफ द अर्थ डाइवर्स इको सिस्टम। तो ऑप्शन आपका राइट है ऑप्शन डी, 22nd में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इज कौन सा देश 2023 में कारों का सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है? बिल्कुल यार, ये डेली करंट अफेयर्स के सेशन में भी डिस्कशन हुआ था इस न्यूज पर। विच कंट्री हैज बिकेम द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ कार्स इन 2023? जापान, चाइना, इंडिया और यूएस। बिल्कुल बिना ये आंसर के आप लोग आंसर कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल यार, तो यार बिल्कुल हम लोगों ने जैसा कि डिस्कस किया था राइट आंसर आपका चाइना हो जाएगा। जापान को पीछे छोड़ते हुए चाइना फर्स्ट प्लेस पर आ गया है, तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज कौन सा शहर जून में स्क्वैश विश्व कप की मेजबानी के लिए तैयार है? विच सिटी इज रेडी टू होस्ट द स्क्वैश वर्ल्ड कप इन जून? तो कोलकाता, लखनऊ, चेन्नई या फिर हैदराबाद। चलते हैं आंसर की तरफ, तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, यानी चेन्नई। चेन्नई डियर सिटी है, द सिटी ऑफ चेन्नई इज अबूज विद एंटीसिपेशन एज द प्रिपेयर्स टू होस्ट द हाईली एंटीसिपेटेड 2023 स्क्वैश वर्ल्ड कप। स्क्वैश वर्ल्ड कप के लिए चेन्नई पूरी तरीके से मेजबानी के लिए क्या हो चुका है, रेडी हो चुका है, तैयार है। ठीक है ना, तो राइट आंसर आपका चेन्नई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आईफा 2023 में किस अभिनेता को उत्कृष्ट उपलब्धि से सम्मानित किया जाना है? विच एक्टर इज टू बी फिलिसिटेटेड विद आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट एट आईफा 2023? तो ये बहुत ही ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। देखिए ऑप्शन ए इज कमल हसन, अनिल कपूर, अमिताभ बच्चन या फिर धर्मेंद्र। चलते हैं आंसर की तरफ, तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, कमल हसन। कमल हसन जी को यहां पर अभिनेता को उत्कृष्ट उपलब्धि से सम्मानित किया जाना है, आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट के लिए यहां पर कमल हसन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट इज डेनिल मेदवेदेव हु रिसेंटली वॉन द मेन्स सिंगल टाइटल इन द इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट बिलोंग टू विच कंट्री? भाई डेनियल मेदवेदेव ने जिन्होंने हाल ही में भी इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीता है, किस देश से संबंधित है डियर, किस देश से बिलोंग करते हैं ये? ऑप्शंस आपके सामने अवेलेबल है, ऑस्ट्रेलिया, युगांडा, रसिया या फिर चाइना। तो राइट आंसर इज रसिया। रसिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। डेनियल मेदवेदेव की अगर हम बात करें तो ये रसिया से बिलोंग करते हैं। एटीपी, देखिए यहां पर भी एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स। नेक्स्ट इज इंडियन नेवी सबमरीन INS सिंधुरत्न अंडरवेंट अ मेजर अपग्रेड इन विच कंट्री एंड रीच्ड मुंबई आफ्टर सेलिंग फॉर 97 डेज? भारतीय नौसेना की
पनडुब्बी INS सिंधुरत्ना किस देश के एक प्रमुख उन्नयन से गुजरी और 97 दिनों तक चलने के बाद मुंबई पहुंची है? ऑप्शंस आपके सामने अवेलेबल हैं, इजिप्ट, रशिया, नेपाल या फिर अफगानिस्तान। तो डायरेक्ट हम चलें आंसर की तरफ, तो यहां पर राइट आंसर आपका हो रहा है ऑप्शन बी, रशिया। रशिया इज द राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मार्टिन एमिस जिनका हाल ही में निधन हुआ किस पेशे से संबंधित है? मार्टिन एमिस हु वाज पास्ड अवे बिलोंग्स टू विच प्रोफेशनल, डॉक्टर, नॉवेलिस्ट, हिस्टोरियन या फिर राइटर। ऑब्विसली से कोई भी न्यूज बनती है यार आप सभी को पता है डायरेक्टली हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है किस फील्ड से बिलोंग करते हैं, या अभी हाल ही में कोई अवार्ड मिला हुआ है तो कौन सा अवार्ड मिला हुआ है। तो यार बात करें आंसर की, तो यहां पर ये नॉवेलिस्ट हैं आपके मार्टिन एमिस, रिनाउंड ब्रिटिश नॉवेलिस्ट हैं, ब्रिटिश नॉवेलिस्ट हैं मार्टिन एमिस, पास्ड अवे एट 73 इन फ्लोरिडा ड्यू टू ऑस्पोसियस कैंसर, ऑस्पेगल कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्री इज सेट टू असिस्ट राजस्थान इन मैनेजिंग इट्स वाटर सेक्टर टू रिप्लिकेटिंग इट्स वेस्ट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। कौन सा देश राजस्थान को अपने जल क्षेत्र के प्रबंधन और अपशिष्ट जल प्रबंधन प्रणाली की नकल करने में सहायता करने के लिए तैयार है? नॉर्वे, कुवैत या म्यांमार या फिर डेनमार्क। तो यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा डियर, डेनमार्क आपका राइट आंसर हो जाएगा। डेनमार्क विल प्रोवाइड असिस्टेंस टू राजस्थान रेप्लिकेटिंग, ठीक है, तो राइट आंसर इज डेनमार्क। नेक्स्ट इज, इन विच स्टेट वॉज द हमार सुधार लाइक अभियान, बिल्कुल यार ये लोकल लैंग्वेज में बोला गया है, इन विच स्टेट वॉज द हमार सुधार लाइक अभियान, हाल ही में ये अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? त्रिपुरा, मेघालय, कर्नाटका या फिर छत्तीसगढ़। तो यार चले आंसर की तरफ, तो यहां पर आंसर आपका छत्तीसगढ़ राइट हो जाएगा। लोकल लैंग्वेज में इस चीज को बोला गया है, तो छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल जी की बात हो रही है, रिसेंटली इन्होंने लॉन्च किया है हमार सुघर लाइक अभियान, अ डिस्ट्रिक्ट लेवल प्रोग्राम है, फोकस ऑन द न्यूट्रिशन एंड केयर पर ध्यान देने के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्री इज सेट टू बिकम द फर्स्ट कंट्री टू मैंडेट कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ वार्निंग लेबल्स ऑन एल्कोहलिक बीवरेज। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहा है, कौन सा देश मादक पेय पदार्थों के पर व्यापक स्वास्थ्य चेतावनी लेबल अनिवार्य करने वाला देश, पहला देश बनने जा रहा है? इजराइल, आयरलैंड, इंडिया या फिर जापान। राइट आंसर इज आयरलैंड, न्यूज में भी ये डिस्कस हुआ था डेली करंट अफेयर्स के सेशन में, तो आयरलैंड यहां पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इज, विच कंपनी डिड BCCI रोप इन एज द न्यू किट स्पॉन्सर ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम। BCCI ने किस कंपनी को भारतीय क्रिकेट टीम के नए क्रिकेट किट प्रायोजक के रूप में शामिल किया है? नाइक, लेवीज, सैमसंग या फिर एडिडॉस। तो आंसर इज एडिडॉस, एडिडॉस को यहां पर किया गया है, तो ऑप्शन बी इज राइट नाउ। नेक्स्ट इज, विच IIM डिड द फाइनेंशियल टाइम्स ग्लोबल रैंकिंग प्लेस अमंग द टॉप 4 स्कूल इन इंडिया। फाइनेंशियल टाइम्स ग्लोबल रैंकिंग में किस IIM ने भारत के शीर्ष 4 स्कूलों में जगह बनाई है? IIM कोझिकोड, IIM काशीपुर, IIM श्रीमौर, IIM अमृतसर। डेली करंट अफेयर के सेशन में भी ये न्यूज हमने डिस्कस की थी, तो राइट आंसर है आपका IIM कोझिकोड, IIM कोझिकोड यहां पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इज, एट विच सिटी डिड असम गवर्नर गुलाब चंद कटारिया रिलीज द बुक टाइटल पार्टीशन फ्रीडम। असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने किस शहर में पार्टीशन फ्रीडम नामक पुस्तक का विमोचन किया है? ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं जोरहाट, डिब्रूगढ़, धुबरी या फिर गुवाहाटी। आंसर की तरफ चलें, तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, गुवाहाटी आपका राइट हो जाएगा। असम गवर्नर गुलाब चंद कटारिया जी ने रिलीज किया है बुक टाइटल है पार्टीशन फ्रीडम एट द इवेंट इन गुवाहाटी। ये इवेंट कहां पर हुआ है? गुवाहाटी में हुआ है। नेक्स्ट इज द नेशनल कैंपेन फॉर अपडेटिंग एंड वेरीफाइंग द पीपल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर,
PBR, PBR dear, देखिए Pupils Biodiversity Register की बात हो रही है, was recently launched in which state? हिमाचल प्रदेश, बिहार, गोवा या फिर असम, कहां भी ये लॉन्चिंग की गई है। तो डियर यहां पर ऑप्शंस आपके सामने अवेलेबल है, हिमाचल प्रदेश है, बिहार है, गोवा है या फिर असम है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, गोवा। गोवा आपका राइट हो जाएगा। द नेशनल कैंपेन फॉर अपडेटिंग एंड वेरीफाइंग द पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर वॉज रिसेंटली लॉन्च्ड इन गोवा इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज TCS एंड ITI received advanced order worth how many crore rupees for 1 lakh BSNL 4G sites? TCS और ITI को 1 lakh BSNL 4G साइटों के लिए कितने करोड़ रुपए के अग्रिम आदेश प्राप्त हुए हैं? ऑप्शंस आपके सामने अवेलेबल है, फिगर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 15,300 करोड़, 15,500 करोड़, 15,700 करोड़ या फिर 15,800 करोड़। राइट आंसर इज 15,700 करोड़ आपका राइट हो जाएगा। तो डियर बिल्कुल ये अमाउंट हमें ध्यान रखना है, ये फिगर ध्यान रखना है, डायरेक्टली एग्जाम का पार्ट बनता है, कोई भी अमाउंट हो, कोई भी फिगर हो, डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट इज हु हैज अटेंड द वर्ल्ड्स नंबर वन पोजिशन इन मेन्स जेवलिन थ्रो रैंकिंग? पुरुषों की जेवलिन थ्रो रैंकिंग में विश्व का नंबर वन स्थान किसने प्राप्त किया है? एंडरसन पीटर्स, शिवपाल सिंह, नीरज चोपड़ा या फिर जैकोब वेगलेजे? तो डियर बिल्कुल यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहा है, राइट आंसर आपका नीरज चोपड़ा जी आएंगे, बिल्कुल नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट इज विथ विच कंट्री डिड IITM टाई अप टू एस्टेब्लिश अ वॉटर टेक्नोलॉजी सेंटर? वॉटर टेक्नोलॉजी सेंटर, IITM ने जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के लिए किस देश के साथ करार किया है? ऑप्शन है आपके इजराइल, ईरान, इराक या फिर इंडोनेशिया। तो बिल्कुल चलते हैं राइट आंसर की तरफ, देखते हैं क्या होने वाला है यहां पर आंसर। तो ये राइट आंसर इज ऑप्शन ए, इजराइल, इजराइल यहां पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इज On 19th May 2023, PM Narendra Modi embarked on a tour to a Japan, Papua New Guinea and which country? बिल्कुल बहुत ही सिंपल सी चीज, 19 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान, पापुआ न्यू गिनी और किस देश के दौरे पर गए हैं? तो बिल्कुल बिना ऑप्शंस के ही आप लोग आंसर्स दे सकते हैं, ऑप्शंस दिए हुए हैं अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान और इटली। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट इज रशिया एंड विच कंट्री साइंड अ डील टू कंस्ट्रक्ट द राष्ट्र अस्त्र रेलवे, अ रेलवे लाइन एज पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर? डियर ये जो एब्रीवेशन आ रहा है INSTC, देखिए जहां भी एब्रीवेशन आते हैं, फिगर आता है, MOU आता है, मैं पॉइंट आउट करता रहता हूं, डायरेक्टली वहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो ऑप्शन यहां पर अवेलेबल है, इंडिया, इसराइल, ईरान या फिर इराक। राइट आंसर इज ईरान, ईरान आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस 2023 किस तारीख को मनाया जाता है? ऑन विच डे इज इंटरनेशनल टी डे 2023 सेलिब्रेटेड? 19th May, 20th May, 21st May या फिर 22nd May? चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं क्या आंसर होने वाला है। तो राइट आंसर इज 21st May, 21st मई को हमने इंटरनेशनल टी डे क्या किया है, सेलिब्रेट किया है। नेक्स्ट इज द गोल्डन ईयर्स नामक नई पुस्तक के लेखक कौन है? बिल्कुल डियर रिवीजन के पर्पज से बिल्कुल आप देखते चल रहे हैं क्वेश्चंस। हु इज द ऑथर ऑफ द न्यू बुक टाइटल द गोल्डन ईयर्स? रस्किन बॉन्ड, आर के नारायणन, डेरिक बेल या फिर सलमान रश्दी? राइट इज ऑप्शन ए, राइट है रस्किन बॉन्ड आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इज इन विच स्टेट वॉज द मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना? मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना लॉन्च्ड टू फैसिलिटेट इजी रूरल ट्रांसपोर्ट, तो भाई किस स्टेट के द्वारा यह शुरू किया गया है? गुजरात, केरला, उड़ीसा या फिर झारखंड? तो राइट इज ऑप्शन डी, झारखंड, झारखंड के द्वारा यह शुरू किया गया है, तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इज How many crores
सरप्लस ट्रांसफर हैज द आरबीआई अप्रूव्ड टू द गवर्नमेंट फॉर FY23। आरबीआई ने FY23 के लिए सरकार को कितने करोड़ सरप्लस ट्रांसफर की मंजूरी दी है? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहीं ना कहीं एग्जाम में जरूर ये पूछा जाएगा। ऑप्शंस में यहाँ पर देखिए 80 सारे फिगर्स जो है ये रियल सीआर करोड़ में होंगे, ठीक है। 87,353, 87,238, 87,416 या फिर 87,310। तो देखते हैं आंसर, तो डियर राइट आंसर है 87,416 करोड़ रुपए। तो ये आपका अमाउंट निकल कर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारतीय एथलीट अनु रानी किस खेल से जुड़ी हुई है? टेनिस, बैडमिंटन, क्रिकेट या जैवलिन थ्रो? अनु रानी एन इंडियन एथलीट इन इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स? तो राइट आंसर है यहां पर ऑप्शन डी, जैवलिन थ्रोवर है डियर अनु रानी। कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन होता है डायरेक्टली इंपॉर्टेंट होता है कि यह किस खेल से बिलोंग करती है। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ TCS अनाउंस्ड टू बी लीव्ड ऑन इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग? अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड खर्च पर कितने प्रतिशत TCS लगाने की घोषणा की गई है? बिल्कुल डिस्कस हुआ था डियर, 10%, 20%, 25% या फिर 30%। तो डियर अगर हम बात करें यहां पर तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? ओके, बिल्कुल 20%, डिटेल में डिस्कस किया था, तो राइट आंसर इज आपका 20%। देखिए कुछ यहां पर एब्रीवेशन आ रहे हैं, जैसे फेमा एक्ट, जानते ही आप 1999 में आया था। फेमा ने किसको रिप्लेस किया था? फेरा को रिप्लेस किया था, फेरा को, है ना, फेरा को रिप्लेस किया था। तो बिल्कुल यार LRS बिल्कुल फुल फॉर्म ध्यान रखता है, लिबरलाइज्ड रिमिटेंस स्कीम। नेक्स्ट इज बी डे, भाई बी डे, वर्ल्ड बी डे 2023 ऑब्जर्व्ड, ऑन विच डेट इज वर्ल्ड बी डे 2023 ऑब्जर्व? 18th में, 20th में, 21st में या फिर 22nd में? तो राइट इज 20th में को हमने सेलिब्रेट किया बी डे, वर्ल्ड बी डे इज एन एनुअल इवेंट ऑब्जर्व्ड ऑन 20th में। नेक्स्ट इज व्हेन इज वर्ल्ड डे फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट आल्सो नोन एज डाइवर्सिटी डे सेलिब्रेटेड? संवाद और विकास के लिए, सांस्कृतिक विविधता के लिए विश्व दिवस कब मनाया जाता है, जिसे विविधता दिवस भी कहा जाता है? 18th में, 19th में, 20th या फिर 21? तो डियर यहां पर राइट आंसर क्या होने वाला है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी है, 21st में। नेक्स्ट इज, विच कंट्री इज होस्टिंग द 6th इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस? कौन सा देश 6th विश्व हिंद महासागर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? बहमास, बांग्लादेश, बेनिन या फिर बहरीन? तो डियर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, बांग्लादेश। नेक्स्ट इज, एक नई रिपोर्ट के अनुसार पिछले 2 दशकों में किस देश में प्रति व्यक्ति ई कचरा 3 गुना हो गया है? तो बिल्कुल डियर ऑप्शन है यूक्रेन, क्यूबा, कनाडा या फिर इटली। तो राइट आंसर जाएगा आपका यहां पर ऑप्शन सी, कनाडा। तो आई होप आप लोग रिवीजन आपका हो रहा होगा डियर लास्ट वीक का, बिल्कुल जो भी हमारे न्यूज रही है, करंट अफेयर्स रहे हैं, उनको हम कंपाइल्ड सेशन में वीकली करंट अफेयर्स के रूप में डिस्कस करते हैं। तो आई होप आप सेशन को एंजॉय कर रहे होंगे। नेक्स्ट इज राज नारायणन, जिनका पुडुचेरी में निधन हो गया है, किस पेशे से जुड़े थे भाई? इनकी बात हो रही है, ऑब्चरी से न्यूज आ रही है, पॉलिटिशियन है, डॉक्टर है, डायरेक्टर है या फिर राइटर है? तो डियर अगर हम बात करें तो राइट आंसर यहां पर क्या है? राइटर है, रिनाउंड ये तमिल राइटर है की राज नारायणन। नेक्स्ट इज इन विच सिटी वॉज द SCU स्टार्टअप फोरम 2023 ऑर्गेनाइज? SCU स्टार्टअप फोरम का चलिए आंसर डिस्प्ले हो गया है, कोई नहीं, राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? न्यू दिल्ली, ठीक है। SCU स्टार्टअप फोरम 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो राइट इज न्यू दिल्ली। नेक्स्ट इज केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल किस शहर में 2 दिवसीय राष्ट्रीय आयुष मिशन कॉन्क्लेव का उद्घाटन करेंगे? ऑप्शन है आपके सिलोंग, नोएडा, लखनऊ या फिर न्यू दिल्ली। तो चले अगर हम आंसर की तरफ तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, न्यू दिल्ली यहां पर राइट हो जाएगा। यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल इज शेड्यूल्ड इनॉग्रेटेड द 2-डे नेशनल आयुष मिशन, NAM स्टैंड्स फॉर नेशनल आयुष मिशन।
What is the estimated value in crores of the 350 tunnels that the Ministry of Road Transport and Highways plans to build? तो भाई कितना प्लान, कितने अमाउंट का यहाँ प्लान किया गया है? 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 3 लाख करोड़ या फिर 4 लाख करोड़? कितनी सुरंगों की बात की गई है? 350 टनल्स की बात की गई है। तो राइट आंसर आपका निकल कर आएगा ऑप्शन ए, 1 लाख करोड़। नेक्स्ट इज, कौन सा शहर संयुक्त राष्ट्र की एसडीजी प्रक्रिया को मापने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है? एसडीजी, यूएन एसडीजी प्रोसेस, एसडीजी स्टैंड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो ऑप्शन है आपके भोपाल, इंदौर, चंडीगढ़ या फिर हरिद्वार। तो राइट आंसर यहां पर जाएगा आपका ऑप्शन ए, भोपाल। तो डियर बिल्कुल, चलिए इसी के साथ ही चलते हैं नेक्स्ट। कौन सा क्रिकेटर टेस्ट, ओडीआई, टी20 और इंडियन प्रीमियर लीग में शतक बनाने का गौरव प्राप्त करता है? विच क्रिकेटर होल्ड्स द डिस्टिंक्शन स्क्रीनिंग अ सेंचुरी? एमएस धोनी, विराट कोहली, शुभमन गिल या फिर अर्जुन तेंदुलकर? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है, शुभमन गिल। भाई एक कैलेंडर ईयर में इन्होंने ओडीआई की बात करें, टी20 की बात करें, इंडियन प्रीमियर लीग की बात करें, टेस्ट की बात करें, सभी फॉर्मेट में इन्होंने एक कैलेंडर ईयर में ही सेंचुरी क्या की है, बनाई है। नेक्स्ट इज, दुनिया का सबसे पुराना पेड़ किस देश में मौजूद है? बिल्कुल देखने को मिला होगा डियर इस तरह का न्यूज आपको, दुनिया का सबसे पुराना पेड़, वर्ल्ड ओल्डेस्ट ट्री एग्जिस्ट, क्यूबा, ब्राजील, चिली या फिर रशिया? तो राइट इज ऑप्शन सी आपका राइट होगा, चिली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से किस राज्य ने राज्य के बेरोजगार युवाओं के लिए कौशल सीखने के अवसर प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना नामक एक नई योजना की घोषणा की है? तो मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई है? ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं, केरला की बात हो रही है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। राइट इज मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश बात हो रही है, तो भाई शिवराज सिंह चौहान यानी अपने मामू जी ने इसको लॉन्च किया है, ठीक है, शिवराज सिंह चौहान जी ने मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना को शुरू किया गया है। नेक्स्ट इज, कौन सा राज्य सुशासन नियमन को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? महाराष्ट्र, गुजरात, मणिपुर, त्रिपुरा? सुशासन नियमन, गुड गवर्नेंस रेगुलेशन। तो यहां पर आंसर आपका जाएगा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र इज द राइट नो। महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे अप्रूवल दिया इन्होंने फर्स्ट गुड गवर्नेंस रेगुलेशन ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट इज, अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट टाइटल, एक रिपोर्ट का टाइटल रखा गया है द बिलियन डॉलर डेथ ट्रेड इंटरनेशनल आर्म्स एंड नेटवर्क्स। ठीक है डियर, द बिलियन डॉलर डेथ ट्रेड इंटरनेशनल आर्म्स नेटवर्क। इंडिया हैज सप्लाइड आर्म्स ड्यूअल यूज आइटम्स एंड रॉ मटेरियल्स वर्थ हाउ मेनी क्रोर्स टू द मिलिट्री जुंटा इन म्यांमार? तो कितना अमाउंट यहां पर रखा गया है? 422 crores, 300 crores, 400 crores या फिर 532 crores? अगर बात करें आंसर की तो यहां पर आंसर आपका जाएगा 422 crore। नेक्स्ट इज, कौन सा राज्य मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत तीर्थ यात्रियों के लिए हवाई यात्रा प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है? उत्तराखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या फिर मणिपुर? तो राइट आंसर यहां पर है मध्य प्रदेश। तो मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना भी मध्य प्रदेश था और ये तीर्थ मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना भी कहां जा रहा है? मध्य प्रदेश जा रहा है। तो आई होप आपका रिवीजन बहुत ही अच्छे से डियर हो रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट इज, भारत के किस शहर में नॉर्थ कॉरिडोर विकसित किया जाएगा? बरेली, कानपुर, आगरा या फिर झांसी? अगर हम बात करें तो यहां पर राइट आंसर आपका निकल कर आएगा बरेली, यानी बात हो रही है यूपी की, योगी आदित्यनाथ जी। नेक्स्ट इज आ रहा है, बुरा चापोरी वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? इन विच स्टेट यूटीज इन द बुरा चापोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड? पुडुचेरी, दिल्ली, आसाम या फिर राजस्थान? तो राइट आंसर है आपका आसाम, आसाम आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज, हुज सेमी ऑटोबायोग्राफी इंटाइटल्ड गट्स एमेडेस्ट ब्लड बाथ, गट्स एमेडेस्ट ब्लड बाथ शीर्षक किसकी अर्ध आत्मकथा है?
कपिल देव, रवि शास्त्री, सुनील गावस्कर या फिर अंशुमन गायकवाड़। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, अंशुमन गायकवाड़। नेक्स्ट इज स्मार्ट अर्बन ई मोबिलिटी प्रोजेक्ट के तहत इस साल अगस्त से किस शहर में 100 ई बसों का संचालन शुरू होगा। 100 ई बसों का संचालन शुरू होगा, ई मोबिलिटी प्रोजेक्ट है, 100 ई बसेस की बात हो रही है। ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं लखनऊ, जम्मू, मुंबई या फिर चेन्नई। तो डियर अगर हम बात करें आंसर की तो यहां पर राइट आंसर आपका जाएगा जम्मू। नेक्स्ट इज कौन सा देश NVS-01 नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए तैयार है, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, युगांडा या फिर पोलैंड। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी आपका, इंडिया यहां पर राइट हो जाएगा। इसरो इज अ सेट टू लॉन्च द NVS-01 सैटेलाइट ऑन 29 मई। नेक्स्ट इज तीसरी पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह ECSWG यानी थर्ड इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबल वर्किंग ग्रुप मीटिंग बिगन। तो ये मीटिंग कहां पर, किस शहर में शुरू होगी, मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़ या फिर देहरादून। तो राइट आंसर है यहां पर ऑप्शन ए, मुंबई में ये शुरू होगी। थर्ड इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी वर्किंग ग्रुप की मीटिंग है ECSWG मीटिंग और विल बी हेल्ड इन मुंबई फ्रॉम 21 से 23 मई तक ये क्या रही है कार्य समूह की बैठक शुरू हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने किस शहर में झेलम राजबाग रिवर फ्रंट का उद्घाटन किया है। ऑप्शंस आपके हैं श्रीनगर, जम्मू, गुलबर्ग या फिर पहलगाम। राइट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन श्रीनगर, ऑप्शन ए श्रीनगर। नेक्स्ट इज TCS एंड ITI रिसीव्ड एडवांस ऑर्डर वर्थ हाउ मेनी क्रोर रुपीज फॉर 1 लाख BSNL 4G साइट्स। तो डियर यहां पर क्या अमाउंट रहने वाला है, 15,300 करोड़, 15,500 करोड़, 15,700 करोड़ या फिर 15,800 करोड़। अगर हम बात करें आंसर की तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, 15,700 करोड़। नेक्स्ट इज द नेशनल कैंपेन फॉर अपडेटिंग एंड वेरीफाइंग द पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर PBR की बात हो रही है, वॉज रिसेंटली लॉन्च्ड इन विच स्टेट। तो किस स्टेट में ये लॉन्च किया गया है, ऑप्शन है आपके हिमाचल प्रदेश, बिहार, गोवा, असम। तो यहां पर राइट आंसर निकल कर आएगा आपका ऑप्शन सी, गोवा इज अ राइट नाउ द नेशनल कैंपेन फॉर अपडेटिंग और वेरीफाइंग द पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर वॉज रिसेंटली लॉन्च्ड इन गोवा, इंडिया। तो डियर ये था हमारा आज का सेशन, वीकली ग्रैंड अफेयर्स का सेशन, जिसमें हमने अप्रोक्स 62 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है MCQ के फॉर्मेट में। तो आई होप आपने ये सेशन एंजॉय किया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम लोग अपने डेली ग्रैंड अफेयर्स के सेशन में। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय एंड टेक केयर। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।